उत्तर प्रदेश की दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। वहीं राज्य की आजमगढ़ और रामपुर सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं आपको बताएं कि किसने कितने वोट हासिल किए हैं, तो बता दें कि रामपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 8679 वोट से जीत दर्ज की है। वहीं आजमगढ़ सीट पर भी बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने 42092 वोट से जीत हासिल की। वहीं इस बार भी बीजेपी ने ही अपनी दोनों सीटों पर हासिल की है। वहीं दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद कई विपक्षी और दिग्गज नेता ने अपनी सफाई दी है। सबसे पहले आते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर। हालांकि चुनाव से पहले इनके जितने तेवर तेज थे, वहीं चुनाव पास आने के बाद उनमें जरा भी फुर्ती नहीं दिखी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी, नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बल का दुरुपयोग, अकाउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव और चुनी सरकारों को तोड़ना, यह है आजादी के अमृतकाल का कड़वा सच। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि उपचुनावों को रूलिंग पार्टी है अधिकतर जीतती ही है, फिर भी आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने सत्ताधारी बीजेपी और सपा के हथकंडों को बावजूद जो कांटे की टक्कर दी है वह सराहनीय है। पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोग और कार्यकर्ताओं को अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव से पहले या चुनाव आने तक अखिलेश ने कोई भी रैली या कोई भी रोड शो नहीं किया था। ऐसे में कई अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी को जिताने में कहीं ना कहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश का बड़ा हाथ है, क्योंकि जितने उनके बोल के तेवर तेज थे उसी हिसाब से कहीं भी उनके कोई भी कार्य तेज दिखाई नहीं दिए थे। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।